जब जब बॉलीवुड के गानों की बात होती है तो सबसे पहले जिन गायक गायिकाओं के नाम जहन में आते हैं उनमें से मुकेश जी, रफी साहब, लता जी और किशोर दा जैसे सदाबहार गायकों के नाम प्रमुख हैं। ऐसा नहीं है कि इनके पहले या इनके बाद हिंदी सिनेमा में बेहतरीन आवाजें नहीं आईं। हर दौर में ढेरों ऐसे सफल गायक हुए जिन्होंने न सिर्फ शानदार गीत गाए बल्कि बतौर शीर्ष गायक अपनी एक अलग पहचान भी बनाई। लेकिन इन्हीं शीर्ष गायकों के इर्द गिर्द कुछ ऐसे गायक भी आए जिनके गाने सुपर हिट होते हुए भी लोग उनके नाम से नहीं जान सके, या यूं कहें कि लोगों ने उन नामों को याद रखना मुनासिब नहीं समझा। आज हम बॉलीवुड के कुछ ऐसे ही पुरुष गायकों पर चर्चा करने वाले हैं जिनके गीत तो लोग आज भी सुनते हैं लेकिन उनके नाम को भुला चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। सबसे पहले हम जिस गायक के बारे में बात करेंगे उनका नाम है विजय बेनेडिक्ट। विजय बेनेडिक्ट का जन्म दिल्ली में एक उत्तर भारतीय ईसाई परिवार में हुआ था। इलाहाबाद में इंडियन क्लासिक म्यूजिक से ग्रेजुएशन करने के साथ विजय ने बिजनेस मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट की भी डिग्री ली थी। फिल्मों में बतौर गायक उन्होंने वर्ष 1982 में प्रदर्शित फिल्म डिस्को डांसर से शुरुआत की। बप्पी लाहिरी के संगीत निर्देशन में बने और विजय द्वारा गाए गीत आई एम डिस्को डांसर ने देश विदेश में धूम मचा दी। इस गीत से न सिर्फ विजय ने अपनी एक पहचान बनाई बल्कि मिथुन चक्रवर्ती के करियर में भी यह गीत मील का पत्थर साबित हुआ। उसके बाद तो विजय ने मिथुन अभिनीत कई फिल्मों के लिए पार्श्व गायन किया। न सिर्फ मिथुन बल्कि गोविंदा, जैकी श्रॉफ और आमिर खान जैसे उस दौर के ढेरों अभिनेताओं के लिए भी विजय की आवाज का इस्तेमाल किया गया। बॉलीवुड में उन्होंने लगभग 40 फिल्मों में अलग अलग गायक गायिकाओं और संगीतकारों के साथ कई सारे गीत गाए। विजय बतौर सिंगर उस दौर में भारत सहित पूरी दुनिया में मशहूर हो गए थे लेकिन तभी उनकी जिंदगी में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने उन्हें तोड़ कर रख दिया। विजय ने बताया कि वर्ष 1991 में उनके भाई की जर्मनी में एक माफिया गिरोह द्वारा हत्या कर दी गई। एक 5 सितारा होटल में काम करने वाले उनके छोटे भाई की हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि होटल में एक ड्रग डीलिंग होते हुए उनके भाई ने देखकर पुलिस से शिकायत कर दी, जिसका बदला लेने के लिए नशे के उन सौदागरों ने उनके भाई को गोली मार दी और पुलिस के पहुंचने से पहले ही वहां से भाग निकले। भाई की मौत ने विजय को हिला कर रख दिया जिसके बाद उन्होंने पार्श्व गायन छोड़ दिया। उस घटना ने सब कुछ रोक दिया और विजय शांति की तलाश में ईसा मसीह की शरण में आ गए और अपने भाई के हत्यारों को माफ कर यीशु की सेवा में खुद को समर्पित कर दिया। विजय का बतौर पार्श्व गायक करियर 10 वर्षों तक चला। कई प्रस्ताव मिलने के बावजूद वो पार्श्व गायन की तरफ नहीं लौटे। फिर भी वे मुंबई की गॉड चर्च की सभाओं में भाग लेते हैं। बाद में उन्होंने कई सारे ईसाई भजनों में अपनी आवाज दी और आज भी विभिन्न धार्मिक आयोजनों में सक्रिय रहते हैं। दूसरे नंबर पर हैं 80 के दशक में अचानक उभर कर आए पॉप गायक हसन जहांगीर, जिनके द्वारा गाया गीत हवा हवा ए हवा ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। 1 जुलाई वर्ष 1962 में पाकिस्तान के कराची में जन्मे हसन जहांगीर एक पाकिस्तानी गीतकार और पॉप गायक हैं। अपने पहले एल्बम इमरान खान इज ए सुपरमैन से सिंगिंग करियर शुरू करने वाले हसन ने कभी सोचा नहीं था कि उनका अगला एल्बम हवा हवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना प्रसिद्ध हो जाएगा। दोस्तों, आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि उस दौर में सिर्फ भारत में ही इसके लगभग 15 मिलियन कैसेट्स बिक गए थे। हसन ने बताया वर्ष 1986 में हवा हवा की रिकॉर्डिंग की गई और एल्बम को 1987 में रिलीज किया गया। तब कुछ लोगों ने इसका बहुत मजाक उड़ाया जिससे वे बहुत निराश हो गए लेकिन एल्बम रिलीज होने के कुछ समय बाद ही एक दिन उनकी कार ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी तो अचानक उन्हें अपना गीत सुनाई दिया। उन्होंने देखा उनका गीत हवा हवा एक गाड़ी में बज रहा है और जल्द ही दुकानों, पार्टियों और हर जगह यह गीत सुनाई देने लगा। जहांगीर का यह गीत 80 के दशक से लेकर 90 के शुरुआती सालों में भारत में भी बेहद लोकप्रिय हो गया था। डिस्को म्यूजिक के उस दौर में यह गीत क्लबों, होटलों, शादियों और डांस बार में हर जगह बजा करता था। इस गीत की प्रसिद्धि का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इस गीत की धुन का इस्तेमाल बप्पी लाहिरी के साथ साथ जगजीत सिंह जैसे संगीत निर्देशकों ने भी किया। बप्पी लाहिरी ने जहां फिल्म आग का गोला में इसी धुन पे एक गीत बनाया जो अर्चना पूरन सिंह और सनी देओल पर फिल्माया गया था। गाने के बोल थे आया आया वो मेरा यार आया। तो ही जगजीत सिंह ने भी फिल्म बिल्लू बादशाह में इसी धुन का इस्तेमाल किया। गोविंदा पर फिल्माए इस गीत के बोल थे जवां जवां हो जवां इश्क जवां है। इस गीत की खास बात यह थी कि इस गीत को खुद गोविंदा ने ही गाया हुआ था। वर्ष 2012 में एक बार फिर हसन जहांगीर के गीत हवा हवा का एक बार फिर इस्तेमाल किया गया फिल्म 4084 में, वो भी एक रिमिक्स के रूप में। लेकिन इस बार गीत में हसन के साथ नीरज श्रीधर, अमिताभ नारायण और अनिरुद्ध की आवाजें भी थी। जतिन ललित जोड़ी के ललित जी के संगीत निर्देशन में बने इस गीत में हसन को बतौर गीतकार भी क्रेडिट दिया गया था। हसन के इस गीत के अलावा कई और गीत भी आए जो 80 और 90 के दशक में मशहूर हुए थे। इनमें हवा हवा के अलावा दिल जो तुझ पे आया है, मेघा जैसे रोए साथी, शावा के नखरा गोरीदा, आया है मौसम प्यार का, ये फैशन के नए रंग
और आ जाना के दिल दीवाना है जैसे दर्जनों गीत शामिल हैं। वर्ष 2017 में प्रदर्शित अनीस बज्मी की फिल्म मुबारका में एक बार फिर हसन जहांगीर के गीत हवा हवा की धुन का इस्तेमाल किया गया। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं कि अर्जुन कपूर और इलियाना पर फिल्माया यह गीत इस गीत का अब तक का बना सबसे बुरा वर्जन है। एक इंटरव्यू में खुद हसन ने भी कहा था कि गीत के बोलों को सुनकर उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तीसरे नंबर पर हम जिस गायक की बात करने वाले हैं उनके गाए एक गीत को शायद हर बॉलीवुड संगीत प्रेमी ने सुना होगा। वो गीत है कभी भूला कभी याद किया। वर्ष 1992 में प्रदर्शित फिल्म सपने साजन के का यह गीत जैकी श्रॉफ और डिंपल कपाड़िया पर फिल्माया गया था, जिसका संगीत दिया था नदीम श्रवण ने। इस गीत में आवाजें थी अलका याग्निक के साथ मुकुल अग्रवाल की। दोस्तों, मुकुल अग्रवाल बेशक बतौर गायक उस दौर में नए थे, लेकिन एक कार्यकारी निर्माता, अभिनेता, प्रोडक्शन कंट्रोलर और प्रोडक्शन मैनेजर के रूप में वे फिल्मों में पहले से ही सक्रिय थे। गायकी के प्रति शुरू से विशेष लगाव रखने वाले मुकुल ने बतौर गायक कई गाने गाए, जिसमें मत पूछ मेरे महबूब सनम, आई एम सॉरी, कम से कम इतना कहा होता, एक लड़की का मैं दीवाना, प्रेमी हूँ आशिक हूँ या मुस्तफा मुस्तफा और वतन के फसाने जैसे कई सफल गीत गाए। मुकुल अग्रवाल जिस दौर में बतौर गायक प्रयासरत थे, उस दौर में गायक कुमार सानू और उदित नारायण की आवाज का बोलबाला था। ऐसे में मुकुल को जितने मौके मिलने चाहिए थे शायद नहीं मिल सके। अपने संगीत के शौक को पूरा करने के लिए बाद में उन्होंने माता की भजनों के कई एल्बम निकाले और जब भी मौका मिला फिल्मों में भी गीत गाए। वर्ष 2015 में रिलीज माता का बुलावा आया है और 2016 में रिलीज माता रानी का ध्यान धरिए उनके कुछ प्रमुख एल्बम हैं। चौथे नंबर पर हम जिस गायक की बात करने वाले हैं उनका नाम है जॉली मुखर्जी। 10 फरवरी 1956 में सिक्किम के गंगटोक में जन्मे जॉली मुखर्जी को भारत के किंग ऑफ स्ट्रिंग के रूप में भी जाना जाता है। संगीत के क्षेत्र में उनकी शुरुआत बतौर विज्ञापन गायक के रूप में हुई। उन्होंने विभिन्न एयरलाइंस के लिए भी इंट्रोडक्शन म्यूजिक बनाया, जिनमें ब्रिटिश एयरवेज प्रमुख हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के साथ साथ पश्चिमी संगीत में भी महारत हासिल करने वाले जॉली मुखर्जी गायक हरिहरन के साथ उनके कई एल्बम में बतौर म्यूजिशियन जुड़े रहे। फिल्मों में बतौर गायक जॉली वर्ष 1988 में प्रदर्शित फिल्म दयावान के गीत चाहे मेरी जान तू ले ले से रातों रात मशहूर हो गए थे। उसके बाद आई फिल्म चांदनी के गीत चांदनी ओ चांदनी की सफलता के बाद जॉली की एक अलग आवाज हर किसी की पसंदीदा आवाज बन गई। आज हम तुम ओ सनम, सुनो ओ हसीना, साहिबा ओ मेरी साहिबा, गोरिया रे गोरिया, मुक्काला मुकाबला, जिंदा है हम और यहाँ पे सब शांति शांति है जैसे दर्जनों सुपरहिट गाने जॉली के नाम दर्ज हैं। जॉली मुखर्जी न सिर्फ भारत बल्कि बांग्लादेश में भी बतौर पार्श्व गायक प्रसिद्ध हैं। जॉली कुछ रियलिटी शोज में बतौर जज भी नजर आ चुके हैं। अंत में हम जिस गायक की बात करने वाले हैं अब तक उनका बॉलीवुड में सिर्फ एक ही गाना सुनने को मिला है, हालांकि वह गीत बहुत ही सफल हुआ था और इसके बोल हैं, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि मौसम जमा है हसी है। और इसको गाने वाले गायक का नाम है ग्लेन जॉन। ग्लेन जॉन का जन्म पाकिस्तान के एक क्रिश्चियन परिवार में हुआ था। ग्लेन के पिता सनी बेंजामिन जॉन यानी एसबी जॉन पाकिस्तान के एक बहुत ही मशहूर फिल्म और रेडियो के गायक थे। दोस्तों, आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि वर्ष 2006 में प्रदर्शित फिल्म वो लम्हे में ग्लेन जॉन द्वारा गाया है गीत मूल रूप से ग्लेन के पिता एसबी जॉन द्वारा वर्ष 1959 में प्रदर्शित एक पाकिस्तानी फिल्म सवेरा में गाया गया था, जिसके बोलों में कुछ फेर बदल कर निर्माता निर्देशक महेश भट्ट, जो कि पाकिस्तानी गानों को अक्सर अपनी फिल्मों में इस्तेमाल करने के लिए चर्चित रहते हैं, उन्होंने प्रीतम के संगीत निर्देशन में इस गाने को फिल्म ओ लम्हे के लिए तैयार करवाया, जो कि बेहद कामयाब भी हुआ। दोस्तों, एसबी जॉन द्वारा गाई यह ओरिजिनल गजल इंटरनेट पर उपलब्ध है, जिसे आप कभी भी देख सकते हैं। जबकि ताज्जुब की बात यह है कि ग्लेन जॉन का कोई भी गीत या लाइव परफॉर्मेंस के वीडियो कहीं भी नजर नहीं आते। दोस्तों, कुछ जाने को संजाने गायकों पर आधारित यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।